मुझे पता है भाई, आप लोगों को काफी ज्यादा टेंशन होगी, इसीलिए तो आप लोग मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख रहे हो। आप लोगों को इस वीडियो का थंबनेल लिखकर टॉपिक का पता चल ही गया होगा। और आपको दिखा दूं भाई, यहाँ पर देखो अंडे कैसे पड़े हुए हैं किनारे किनारे। हाँ, आज मैं बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, मुझे पता है भाई, गर्मी की वजह से या फिर किसी ऐसे रीजन की वजह से आप लोगों के फार्म पे अंडे आना काफी ज्यादा कम हो गया। जहाँ मतलब मान के चलो 70% मिलते थे, तो वहाँ 35 या 40% ही अंडे तुम्हारे फार्म में आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ था। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें भाई अपने फॉर्म में चेंज करा, कुछ चीज़ों का मतलब ध्यान रखा, और कुछ चीज़ों का मतलब खाने पीने से रिलेटेड और कुछ चीज़ों का भाई परिवर्तन किया, चेंज किया, जिसके बाद भाई इनका जो अंडा था भाई 3 दिनों के बाद ही अंडा बढ़ना शुरू हो गया इनके फॉर्म के अंदर। तो मुझे लगा भाई ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था इसी कारण को लेकर। भाई अचानक से मान लो तुम्हारी जो मार्केट है अच्छी खासी बन रही है, और अचानक से अंडे भाई तुम्हारे फार्म पे आना डाउन हो जाए या फिर बंद हो जाए, और दाना तो आप लोगों के फार्म में मुर्गा जो है उतना ही खा रहा, तो फिर नुकसान है भाई, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। मतलब मार्केट एक तरफ से बन रही है और दूसरी तरफ से मान लो तुम बिगनर हो, पहली मार्केट बना रहे हो और फॉर्म पे अंडे ही नहीं हो पा रहे तुम भाई, जो दुकानदार है उनको तुम प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे, दे ही नहीं पा रहे हो, तो भाई मार्केट टूट जाती है भाई। वो सोचेंगे आप नहीं दे पाओगे, इसकी वजह से वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, और इससे ये होगा कि भाई वो फॉर्म पे तुम्हारे बच्चे अंडे जो है वो निकालेंगे नहीं, वो फार्म ही चलाएंगे। तो यही टेंशन आपकी एकदम फिकर जो है पूरी आज एकदम पूरा तुम्हारा एकदम मतलब समझो एकदम क्लियर कर देंगे। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ फॉर्म पे अप्लाई ज़रूर से करना है भाई। 3 से 4 दिन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे फॉर्म के अंदर भाई, जो तुम्हारे अंडे का प्रोडक्शन है। तो शुरू करते हैं एकदम सबसे बेसिक और सबसे छोटी चीज़ से, जो कि है भाई एक गर्मी। भाई गर्मी क्या ही बताए, इतनी खतरनाक पड़ रही, इसकी वजह से एकदम मतलब मान चलो मुंह वो एकदम खुला पड़ा है इन मुर्गियों का सब तुम देख सकते हो भाई, क्या ही हालत हो रखे है। फिलहाल तो चलो इधर दीवार वगैरह है, तो इधर से मतलब घर ऊँचा है थोड़ा सा, तो डायरेक्ट धूप नहीं आती, इसकी वजह से थोड़ा तो प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही, और ऊपर हमने कुछ कर दिया है और थोड़ी चीज़ें इसकी वजह से दिक्कत नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है भाई गर्मी। इसमें ये हो रखा है कि भाई गर्मी में ये दाना भी अपना खाना कम कर दे रहा है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नोटिस किया होगा, जितनी तेज़ी से ये सर्दी में या बरसात के मौसम में ये दाना खाते हैं, उतनी ही धीरे भाई मतलब इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट लेना है दाने पर एकदम छोड़ दिया, मतलब काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो मेन रीज़न है गर्मी, और इसको हटाने के लिए भाई कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं अभी लाइन बाई लाइन मतलब बिना टाइम वेस्ट करे बता देता हूँ। सबसे पहले तो टीन है, तो टीन के ऊपर आप लोगों को पैरा रख देना है। पैरा जो कि क्या बोलते हैं उसे, गेहूँ धान वगैरह का जो पैरा होता है, पयाल जिसे कहते हैं, तो भाई उसे अपनी टीन पर रख दोगे भाई, रखते ही 50% गर्मी तो गायब हो जाएगी, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट धूप टीन पर नहीं पड़ेगी और टीन तपेगी नहीं। ऑलरेडी मान के चलो तुमने पैरा रखा हुआ है, तो आप ऊपर स्प्रिंकलर लगा सकते हो, स्प्रिंकलर तुम्हें पता ही होगा। चलो स्प्रिंकलर भी हटाते हैं, मान के चलो छोटा मोटा फॉर्म है, तो आप लोग ऐसा करते हो भाई, 5-10 मिनट का टाइम निकालना आपको शाम के टाइम, अगर सप्लाई का जुगाड़ हो पाता है, बाल्टी से जुगाड़ हो पाता है, तो भाई जब तक ये बारिश का मौसम 1-2 महीने नहीं शुरू हो जाता, आपको बाल्टी से या जग से या टीन पर कैसे भी अपना जो छोटा फॉर्म है उसके ऊपर जो पैरा रखा हुआ है उस पर भाई पानी डाल सकते हो। इससे क्या होगा भाई, तुम मतलब समझ लो काफ़ी हद तक भाई मतलब काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा तुम्हारा फॉर्म, और तुम देखना भाई 2 दिन ठंडा रख के देखो, दाना अगर नहीं उठा रही मुर्गी फिर से उठाना ना शुरू कर दे तो बेकार है। उसके अलावा ऐसा कर सकते हो, मान चलो एक तरफ सूखा रखो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एकदम छोड़ रखा है, न यहाँ पर कुछ हटाते हैं ना कुछ, यहाँ पर ये मुर्गियाँ नहाती हैं, मतलब एकदम गड्ढा कर डाले हैं, नहाती हैं, ठीक, और वो देखो अभी भी अंडे पर बैठी हुए हैं। लेकिन बाकी की जो तरफ है जहाँ पर तुम दाना नहीं डालते हो ज़मीन पे, मतलब ग्रीन वेस्ट वगैरह नहीं डालते, तो वहाँ पर डेली पानी छिड़काव शुरू कर दो। तुम्हें बस सब कुछ फर्स्ट मीटिंग करना है, पहली मीटिंग शाम के 5 बजे के बाद, तो ऐसे भी मौसम ठंडा होने लगता है, तो थोड़ा बहुत पानी छिड़क लो। इससे क्या होगा भाई, काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा, काफ़ी हद तक फिर से दाना उठाना शुरू कर देंगे। और भाई दाना उठाते ही अंडा देने में भी भाई सबसे बड़ी बात, तो गर्मी में इनको आता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस भाई सारे जानवर के लिए दिक्कत है, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, फिश हो, भाई फिश में भी यही देखा गया, अगर वो स्ट्रेस में जाती है तो भाई वो मर जाती है, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, गर्मी में स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये ना तो खाना खाती हैं, ना ही एक प्रोड्यूस करती हैं डेली सही मात्रा में, मतलब एकदम आधी से भी आधी कर देती है।
और भाई वीडियो लगभग यहाँ से 4-5 मिनट की हो गई, तो अभी जल्दी से दूसरी चीज़ बताते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, फॉगर भी लगा सकते हो। फॉगर का मतलब जो छोटे बंदे उन्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ भाई, फॉगर दो तरीके के आते हैं। एक तो 100 रुपये का आता है जो चौतरफा पानी फेंकता है चारों तरफ का, और एक आता है आजकल आ गया भाई एक तरफ का फेंकने वाला, एकदम डायरेक्ट एक तरफ का फव्वारा टाइप में, तो वो लगभग 30 से 50 रुपये का आता है भाई, उसे लगा सकते हो। अगर छोटा फॉर्म है 100-200 मुर्गी का है तो मान चलो 5-10 बस फॉगर में तुम्हारा काम हो जाएगा, और छोटी सी मोटर में 1-1.5 बाल्टी पानी में तुम्हारा काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। फॉगर लगा सकते हो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट कर देते हो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा, भाई काफ़ी अच्छा तुम्हारा जो मतलब फॉगर लगाने का खर्चा जो है, जो मेहनत है भाई, वो एक दिन के अंडे में निकाल देंगी इंक्रीज करके, ठीक है। और यही 2-3 चीज़ें हैं आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने फॉर्म के पास जो पेड़ वगैरह लगा लो, उसके बाद तो भाई क्या ही बताए, पेड़ के नीचे अगर फॉर्म है तो साला कोई भी चीज़, साला बोल दिया भाई सॉरी, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी गर्मी से बचाने की कोई ज़रूरत ही नहीं अपने फॉर्म पे अगर तुमने पेड़ लगा कर रखे हैं तो। चलो अब दूसरी चीज़ बताते बिना टाइम वेस्ट करें आप लोगों का, वो चीज़ है लीवर टॉनिक। भाई लगभग सभी बंदे को पता होगा, सभी को, कि लीवर टॉनिक कितना ज़रूरी है इनके लीवर के लिए, क्योंकि भाई खाना वाना नहीं खाती, मान के चलो गर्मी की वजह से खाना नहीं भी खा रहे, अगर तुम लीवर टॉनिक इसे देते हो तो इतना ज़्यादा इनको भूख लगेगी, लीवर भाई एकदम सही हो जाएगा, भूख लगेगी। हम कहते कितना भी स्ट्रेस में हो, गर्मी में हो, अगर भूख लगेगी तो 100% नहीं है तो भाई 50-60% तो आई है कि ये खाना खाएंगे, दाना खाएंगे, तो लीवर टॉनिक दे सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा मतलब तो रिजल्ट देगा वो दाना उठाने में। और अगर इन्होंने दाना शुरू कर दिया, दाना प्रॉपर खाना शुरू कर दिया, तो इन्हें झक मारा के भाई तुम्हें देंगे अंडे हमेशा, भाई कैसे भी तुम्हें अंडे देंगे ही देंगे कैसे भी दे, ठीक है। अंडा कहीं अंदर तो हजम नहीं कर लेंगे तो अंडे देंगे। तीसरी चीज़ है जो कि खासकर अंडे के लिए ही बनी है, मान के चलो गर्मी से दिक्कत नहीं आ रही, लीवर से दिक्कत नहीं आ रही, और तीसरी चीज़ भाई है कैल्शियम, मान के चलो इन सब चीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कैल्शियम की कमी अगर इनके अंदर हो गई है तो वो चीज़ है तुम्हें पूरी करनी है। कैसे पूरी करनी है वो आपके ऊपर है। कैल्शियम बहुत तरीके से पूरी कर सकते हो, बरसीम खिलाकर और सहजन की पत्ती खिलाकर, केले के पत्ते खिलाकर, बाकी आप गूगल कर लो कि मतलब किस ग्रीन मतलब वेजीज में किस ग्रीन चीज़ में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम की पूरी कमी कर दो भाई, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि कैल्शियम का ऑस्टियोएट सिरप आता है मार्केट में, भरे पड़े हैं सिरप कैल्शियम के जो कि है, तो उसके साथ मल्टीविटामिन हाँ मिनरल्स क्या नाम है, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा, हाँ याद आ गया, विमराल करके सीरप आता है ऑस्टोवेट, अगर लेने जाओगे तो उसके साथ विमराल वो खुद ही देंगे आपको, ऑस्टोवेट सीरप में भी कहीं ना कहीं छपा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो अपने मुर्गों को दो भाई। अगर कैल्शियम की कमी आती है उसकी वजह से अंडे ड्रॉप होते हैं, कम होते हैं, तो वो कैल्शियम की कमी पूरी कर देगा, और मान के चलो हफ्ते भर के अंदर भाई अंडे इंक्रीज़ होने लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो इनके अंडे का छिलका है इनके अंदर भाई वो कैल्शियम से ही बनता है अंडे का छिलका, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी अगर आएगी तो ये खाकी अंडे भी देंगे, कभी कभी आपने अपने फॉर्म पर देखा होगा खाकी अंडे बोले तो जिन पे कवर ही नहीं होता, एकदम मुलायम मुलायम, एक पंजा भी पड़ता है इनका तो ये फूट जाता है, तो वो आप दे सकते हो कैल्शियम। वो आपको देखना है कि आपको कैल्शियम की कमी कैसी पूरी करनी है, चाहे तो सिरप वगैरह एकदम मतलब थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा पैसा करके लगा सकते हो, और चाहो तो आप लोग ग्रीन वेजीज में जो जो आता है भाई जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, सहजन हो, केला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ आपको बता दूं भाई, एल्बोमार, वो आता है एल्बेंडाजोल सीरप। मान के चलो कहीं इनकी बीमारी की वजह से अंडे कम हुआ है, सबसे पहले भाई मेन रीज़न तो गर्मी है, लेकिन मान चलो बीमारी की वजह से लीवर वीवर इनका सही से काम नहीं कर रहा, पेट में कीड़े आ गए, इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि भाई मुर्गियाँ सुस्त होने लगती हैं, और भाई अगर ये सुस्त हुई दाना उठाना कम करेंगी, दाना उठाना कम करा तो समझ लो भाई सारा दिक्कत यहीं से शुरू, दाना उठाने कम कर दिया, अगर दाना नहीं खा रही तो अंडे कहाँ से बनाएंगे, अंडे कहाँ से आएंगे भाई, इनका कोटा ही कंप्लीट नहीं होगा जब। तो एल्बोमार सिरप दे सकते हो भाई, 20-30 रुपये की सिरप आती है छोटी सी, और उसमें एल्बेंडाजोल होता है। एल्बेंडाजोल अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं भाई, पेट के कीड़े को मारने का काम करती है, पेट में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया कीड़े होते हैं वो, चाहे वो इंसानों के लिए होती है बैंडी प्लस नाम से आती है, इनके लिए एल्बोमार नाम से आती है। नाम पर नहीं जाना भाई, नाम कई सारे मिलेंगे, ये मुर्गे बोलना शुरू करेंगे अभी, तो नाम पर नहीं जाना, नाम कई सारे मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर एल्बोमार ला सकते हो एल्बोमार ही लाना, काफ़ी अच्छा रहता है भाई उसका रिजल्ट। भाई उस डॉगी की वजह से ये बोल बोल के हमारी वीडियो को डिस्टर्ब करे पड़े हैं। चलो अब लास्ट यही चीज़ है एल्बोमार भाई, मैं आपको बता दूं काफ़ी वीडियो भी लंबी हो गई है, तो एल्बोमार का यूज़ कर सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इन 4 चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो। ऑलरेडी कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो इनमें से कुछ ना कुछ अप्लाई करो, सस्ता मत दाए भाई, सब कुछ कर सकते हो अपने अंदर,
ठीक है, पेट के कीड़े खत्म होंगे तो ये खाना। हाँ सबसे बड़ी बात बता दूं भाई, बॉडी वेट लाने के लिए भी एल्बोमार जरूरी है, क्योंकि अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो भाई डाइजेस्ट नहीं होगा खाना और इनका बॉडी वेट ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। और इसी तरीके खाना डाइजेस्ट करने के लिए भाई पेट के कीड़े मारना बहुत ज़रूरी है, तो एल्बोमार का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ध्यान दे लो भाई, छोटी सी चीज़ है भाई, इसे ध्यान दे लो, काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा तुम्हारे फॉर्म के अंदर। और कुल मिलाकर चार चीज़ें हमने बताई, काफ़ी ज़्यादा वीडियो अभी लंबी नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इतना ही चीज़ आप लोग अप्लाई करके देखो, इतनी चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा एकदम, मतलब 100% तो नहीं 90% मिलेगा भाई। फॉर्म पे अंडे इंक्रीज होंगे और आपके जो बर्ड वगैरह हैं ये भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी अमेजिंग कंटेंट और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बस चैनल पर जुड़ जाना भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस का डोज देते हैं हम लोग हर रोज़। सो टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना यार, मोटिवेशन यही से तो मिलता है। बाय बाय।